नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, जानकारी के मुताबिक यहाँ पर एक और बड़ा हादसा, रोडवेज बस अचानक पलटी खा गई। कोहरे के कारण बड़ा हादसा हुआ, करीब 15 यात्री के हालात ठीक नहीं है। कुल 35 यात्री सवार थे, जिसमें से बताया जा रहा है कि 2 की मृत्यु होना पाया गया है। बड़ा हादसा बलरामपुर उत्तर प्रदेश का है, जहां पर सुबह सवारियों से भरी रोडवेज बस घने कोहरे के कारण अनियंत्रित होकर पलटी खा गई। जानकारी में सामने आ रहा है कि शुक्रवार सुबह सवारियों से भरी रोडवेज बस यात्रियों को लेकर तुलसीपुर की तरफ जा रही थी। बस में तकरीबन 35 यात्री सवार थे। शिवानगर गांव के पास घने कोहरे के कारण बस चालक स्टीयरिंग से नियंत्रण खो बैठा। बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलटी खा गई। बस बताया जा रहा है कि देखते ही सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और यहां पर दिलीप प्रजापत सहित एक अन्य डॉक्टर ने बताया जा रहा है कि 2 को घोषित कर दिया, जबकि 12 का प्राथमिक उपचार जारी है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुटी हुई है। क्रेन की मदद से बस सीधी कराकर रोड सुचारू रूप से चालू कराया गया है। जांच की जा रही है। जय हिंद दोस्तों।